इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के 5 विधायक और कई पार्षदों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक गृहमंत्री अमित शाह और एलजी के घर के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन कोरोना नियमों की वजह से दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। मनाही के बाद भी विधायक आतिशी और कई पार्षद एलजी हाउस जाना चाहते थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। अमित शाह के घर प्रदर्शन करने जाने वाले राघव चड्ढा को भी हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी की दलील थी कि जब बीजेपी सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर सकती है तो उन्हें भी विरोध जताने की इजाजत दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एलजी और अमित शाह के घर प्रदर्शन करना चाहते थे आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके 5 विधायक हिरासत में लिए गए। आतिशी को एलजी हाउस से हिरासत में लिया गया, उनके साथ कई पार्षद मौजूद थे और अमित शाह के घर के पास जाने की कोशिश कर रहे थे राघव चड्ढा और उनके साथ मौजूद तमाम विधायक, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। कुल 5 विधायकों को हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि जब बीजेपी सीएम केजरीवाल के घर को घेरने की कोशिश कर सकती है तो उन्हें भी इजाजत दी जाए। अंजलि सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गई है। अंजलि, क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए आदर्श, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, दरअसल ये कल आम आदमी पार्टी की ओर से ये एक तय प्रोग्राम था जिसके तहत आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को गृह मंत्री अमित शाह के घर प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने पुलिस से अनुमति मांगी थी। और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी हैं, उन्होंने उपराज्यपाल निवास के बाहर प्रदर्शन करने की मांग की थी। और ये जो पूरी ये सिलसिला जो है, राजनीति जो है, ये तब से शुरू, उस चीज को लेकर शुरू हुई जो आम आदमी पार्टी, जो बीजेपी के तमाम मेयर और पार्षद इस समय अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर 2400 करोड़ से भी ज्यादा की रकम है जो माफ कर दी। और इस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये घोटाला किया गया है नगर निगम में। इसको लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करना चाह रही थी गृह मंत्री के निवास के बाहर, उपराज्यपाल निवास के बाहर। गृहमंत्री के निवास के बाहर दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, इसलिए 4 विधायकों को आम आदमी पार्टी के, जो जिनको उस जगह पर प्रदर्शन करने जाना था, राघव चड्ढा, बुराड़ी से विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार और ऋतुराज, इन 4 विधायकों को अलग अलग जगहों से डिटेन कर लिया गया। इसके साथ ही जब आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी पहुंची उपराज्यपाल निवास के बाहर प्रदर्शन करने, तो उनको भी डिटेन कर लिया गया। तो ये 5 विधायक और इसके अलावा कुछ अन्य आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है, उनको फिलहाल डिटेन किया गया है। और पूरा मामला जो है ये उसी से जुड़ा हुआ है कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर नगर निगम के मेयर और पार्षद मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठकर धरना दे सकते हैं तो हम प्रदर्शन करने क्यों नहीं जा सकते। तो ये जो राजनीतिक गहमा गहमी है, या कहेंगे कि सियासी उठापटक की ज्यादा चल रही है, और एक दूसरे पर फंड देने की, एक और जो आप बीजेपी कह रही है कि फंड हमें दिल्ली सरकार की ओर से रिलीज नहीं किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि नगर निगम आपस में ही फंड का बकाया जो माफ करके घोटाला कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका अंजलि, इस पूरी जानकारी के लिए। अंजलि सिंह हमारे संवाददाता जुड़ी हुई थी पूरी जानकारी के साथ और पूरी जानकारी दे रही थी।